पप्पू, इस संसार में सिर्फ एक पान वाला ही सच्चा इंसान है। चिंटू कैसे? पप्पू, एक वही है जो हमसे पूछ कर चूना लगाता है, बाकी सब तो बिना पूछे ही चूना लगा देते हैं। पाकिस्तान के एक स्कूल में एक मास्टर जी पढ़ा रहे थे। मास्टर जी बोले, बेटे बताओ हमारे पाकिस्तान में पानी की इतनी कमी क्यों है? लड़का, मास्टर जी अब वो बताते हैं कि हमारे देश में एक ही हैंडपम्प हुआ करता था, जिसे भारत से आया तारा सिंह ने उखाड़ दिया था, बस तभी से पानी की बड़ी किल्लत है। संता, आज फिर मुझे आलिया भट्ट को किस करने का दिल कर रहा है। बनता, क्या तुम आलिया भट्ट को पहले किस कर चुके हो? संता, नहीं, एक बार पहले भी दिल किया था। एक मच्छर परेशान बैठा था, दूसरे ने पूछा, भाई क्या हुआ तुझे? पहला बोला, यार गजब हो रहा है, चूहेदानी में चूहा, समुदानी में साबुन, मगर मच्छरदानी में आदमी सो रहा है। मोबाइल आने से एक अच्छा काम तो हुआ, जब इंसान फ्री होता है तो मोबाइल चला लेता है। पहले तो लोग नाक में उंगली डाल डाल कर नाक की ऐसी तैसी कर देते थे। एक आदमी रात को दारू पीकर लौटा और दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार पत्नी ने अंदर से गुस्से में कहा, कौन है? पति ने कहा, खूबसूरत लड़की के लिए प्यारे प्यारे फूल लाया हूँ। पत्नी ने झट से दरवाजा खोल दिया। पत्नी ने पूछा, फूल कहाँ है? पति अंदर घुसते हुए बोला, खूबसूरत लड़की भी कहाँ है? मुर्गियों के फार्म में निरीक्षण के लिए इंस्पेक्टर आया। इंस्पेक्टर, तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? पहला मालिक, बाजरा। इंस्पेक्टर, खराब खाना खिलाता है, इसे गिरफ्तार कर लो। दूसरा मालिक बोला, चावल। इंस्पेक्टर, ये भी खराब खाना खिलाता है, इसे भी गिरफ्तार कर लो। संता डरते हुए, हम तो जी मुर्गियों को 5-5 रुपया दे देते हैं कि जो तुम्हारी मर्जी है जाकर खा लो। पहले के लोग भावुक थे, रिश्ते निभाते थे, फिर प्रैक्टिकल हुए तो रिश्तों का फायदा उठाने लगे। अब तो लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, फायदा उठाया जा सके ऐसे ही रिश्ते बनाते हैं।